हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव आर्ट। फोटोशॉप 2020 की ये है बेसिक सीरीज और क्लास आज की हमारी 44th। और आज की क्लास में हम बहुत ही छोटी और बहुत ही यूजफुल चीज को देखेंगे, स्मार्ट ऑब्जेक्ट। क्या है स्मार्ट ऑब्जेक्ट, किस तरह से कैसे यूज में लेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की क्लास में। नमस्कार, मैं सुमित और आप देख रहे हैं क्रिएटिव आर्ट। ऑलराइट, वेलकम बैक अगेन। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फोटोशॉप में आज की क्लास में हम बहुत ही छोटी सी चीज़ देखेंगे, पर है बहुत ही यूजफुल चीज़, स्मार्ट ऑब्जेक्ट। फोटोशॉप में दो तरह के आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट मिलेंगे, वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट और रास्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट। वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट को आगे चल के हम किसी और क्लास में हम बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे रास्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे। रास्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट बहुत ही यूजफुल चीज़ है और सबसे ज़्यादा आप यूज़ में इसी को ही लोगे। कहाँ यूज़ में लेना है, कैसे यूज़ में लेना है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे समझाने के लिए मैंने एक हाई रेजोल्यूशन का इमेज को ओपन किया हुआ है, आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। बहुत हाई रेजोल्यूशन का इमेज है। मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं किसी और डॉक्यूमेंट में ले जाऊँ और ये इसका जो क्वालिटी है वो भी बरकरार रहे, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। फाइल में जा रहा हूँ, न्यू में क्लिक कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर लेता हूँ। किसी भी साइज़ का हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है, ठीक। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इमेज है इसकी जैसी क्वालिटी, हाई क्वालिटी, हाई रेजोल्यूशन की क्वालिटी, ये वैसे ही चला जाए यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में, ठीक है। अब करते क्या है, हम लोग ज़्यादातर कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आके कंट्रोल वी से मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब जैसे मैं पेस्ट करता हूँ, अभी तक तो ये हाई रेजोल्यूशन का ही है, ठीक है। ये जब तक खराब नहीं होगा जब तक आप इसको ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे, ठीक है। कंट्रोल टी से मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा और इसको छोटा कर देता हूं, ठीक है। और मैं छोटा कर देता हूं इसको, ये देखिए, थोड़ा सा जूम करके मैं इसको सेंटर पे लेके आऊंगा, ऐसे यूं। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा, इसकी ज्यादातर जो डिटेल्स है वो निकल जाती है, यानी कि इसकी क्वालिटी जो है खराब हो जाती है। कैसे खराब होती है, अब वापस जब आप इसको बड़ा करोगे तब आपको पता चलेगा इसकी ज़्यादातर क्वालिटी जो है वो खराब हो चुकी है, ठीक है। मैं जैसे एंटर कर रहा हूँ, अब मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं, इस तरह की इमेज को तो शायद आप यूज़ नहीं करना चाहोगे, ठीक है। इसकी ज़्यादातर जो डिटेल्स हैं वो निकल चुकी हैं। फोटोशॉप क्या करता है कि जब भी आप किसी इमेज को छोटा करते हो तो उसकी ज़्यादातर डिटेल्स जो हैं वो निकाल देता है। अब फिर से आप जब बड़ा करोगे तो आपको वो डिटेल निकला हुआ ही इमेज मिलेगा, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ऐसे में हम यूज़ करेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट को। स्मार्ट ऑब्जेक्ट आप दो तरह से कन्वर्ट कर सकते हो अपने लेयर को। एक और चीज़ मैं बता दूं कि सिंगल के साथ साथ आप मल्टीपल लेयर को भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि आपने कुछ इमेज के लेयर को सेलेक्ट कर लिया, कुछ टेक्स्ट के लेयर को भी सेलेक्ट कर लिया, कुछ वेक्टर शेप के लेयर को भी सेलेक्ट कर लिया, उन सभी लेयर को सेलेक्ट करके भी आप सबको एक साथ स्मार्ट ऑब्जेक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है एक लेयर, मल्टीपल लेयर को भी आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने समझाने के लिए अभी सिंगल एक ही लेयर रखा है और इसी लेयर को मैं राइट क्लिक करूंगा इसी के ऊपर और यहाँ पे आपको मिलेगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा एक तरीका है कि इसी लेयर को हम सेलेक्ट रखेंगे और आ जाएंगे लेयर में और यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स और यहाँ पे आपको मिलेगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाता है। छोटा सा करके आइकन आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब कि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में बदल चुका है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी कॉपी कर लूं कंट्रोल सी से, देखिए एक और गलती करते हैं कुछ लोग कि कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करके, ठीक है, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट किया और कंट्रोल सी से कॉपी करके अगर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ
तो देखिए ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में नहीं आता है, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह से मैं इसको डिलीट कर देता हूं, वापस जाऊंगा मैं उसी डॉक्यूमेंट में। तो करना क्या है आपने, इस लेयर को सेलेक्ट रखिए, ठीक है, और कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए, ठीक है, और यहां पे आके पेस्ट कर दीजिए। ये तो हुआ एक तरीका, ठीक है। एक और तरीका मैं बताऊं, सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इस लेयर को सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए और यहां पे आ गए कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट कर दीजिए। ये क्या होता है, पेस्ट इन प्लेस होता है, आपका पूरा लेयर जो है वहां से कॉपी होके यहाँ पे आ जाता है। तो देख लीजिए आपको कौन सा तरीका पसंद है। पेस्ट इन प्लेस का अगर आपको शॉर्टकट की याद नहीं रहता है, तो अगर आपने वहां से कॉपी कर लिया तो एडिट में आकर पेस्ट स्पेशल पेस्ट इन प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो पूरा स्मार्ट ऑब्जेक्ट आपका वहां से कॉपी होके आ जाएगा। अब जितना मर्जी आप इसको छोटा और जितना मर्जी आप इसको बड़ा कर सकते हो, मैं इसको छोटा कर रहा हूं और छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है, और एंटर। अब मैं इसको बड़ा करना चाहूं, जी हाँ बिल्कुल बड़ा कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी बिल्कुल खराब नहीं होगी। ये देखिए, एंटर, और मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूं। देखिए ये उसी क्वालिटी में आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, वापस उसी डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट अपने आप भी क्रिएट हो जाता है जब भी आप कोई चीज या कोई इमेज को फोटोशॉप में ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, तो भी वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में अपने आप उसको कन्वर्ट कर देता है। यहाँ समझाने के लिए मैंने एक और इमेज को ओपन किया हुआ है। अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ किसी भी डॉक्यूमेंट में, तो पहले तो ये पूछता है कि आप कितना बड़ा कितना छोटा करना चाहते हो। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली इसको एंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, ये अपने आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे भी यूज में लेना है, ले सकते हो। और एक तरीका कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट को अगर एडिट करना है, अब देखिए मैं इस पे अगर ब्रश टूल चलाना चाहूँ तो नहीं चला पाऊंगा, ठीक है। ये देखिए ब्रश टूल क्रॉस बना हुआ आ रहा है, यूज ही नहीं कर पाओगे। और ब्रश टूल चलाना है तो क्या करेंगे, उसके लिए पहले मैं इसको इस वाले लेयर को मैं डिलीट कर दूं, ठीक है। ब्रश टूल चलाना है तो आपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जाना है। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जाने के लिए इस वाले आइकन में डबल क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर चला जाता है। देखिए पीएसडी के अंदर एक और आपका फाइल बनाता है, पीएसबी फाइल, यहाँ ऊपर आप देख सकते हो डॉट पीएसबी फाइल है। ये पीएसबी फाइल आपके पीएसडी फाइल के अंदर ही बन जाता है, ठीक है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट का। अब मैं चाहूँ तो इस पे ब्रश टूल चला सकता हूँ, ठीक है, और मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ ऐसे यू, और मैं इस तरह से ब्रश टूल चलाना चाहूँ तो भी चला सकता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, सो और एक चीज दिखाऊं कि देखिए जब तक आप इसको सेव नहीं करोगे, ये जो उसका ओरिजिनल है डॉक्यूमेंट, वहाँ पे अपडेट नहीं होगा। देखिए ये पहले वाला ही आपको दिखा रहा है, यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। अब जी जब भी आप एडिट कर लोगे तो इसको सेव करना मत भूलिए, कंट्रोल एस से आप सेव कर सकते हो, या फिर फाइल में जाके आप सेव यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको जैसे सेव करूंगा ये वहां पे अपडेट हो चुका होगा, ठीक है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये यहाँ पे अपडेट हो चुका है, ठीक है। सो बहुत ही छोटा सा ऑप्शन है जरूर, पर है बहुत ही यूजफुल ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड, आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले फोटोशॉप की बेसिक में एक और नए टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।